नमस्कार, मेरा नाम है राधिका सिंह और आज पहुंचे हैं भोकरेड़ी गांव में और बात करते हैं आज महिलाओं से। यस, आपका नाम? ओम देवी। स्वागत है आपका चैनल पर। क्या कहना चाहते हैं आप, वोट किसको दे रहे हो? बजे और इन्हें जाएंगे संघर्ष कर कोई। पहले इतनी प्रत्याशी आए, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं करा, माँ मकान भी नहीं बनाया, पटा देख लो, कुछ भी नहीं आया। मतलब सुधार, क्या सुधार चाहते हो अपनी गाँव? हम तो देख गड़े में कितना पानी है, परेशान है, कितना पानी भर जा। हाँ, बहुत परेशान है, कोई सुधार ही नहीं है। सुधार नहीं हो पा रहा है आपके गाँव? बिजली का भी मोदी जी ने तो बहुत काम किया है ना, रोड बने हैं, जगह जगह रोड बनी है, हाईवे बने हैं, बहुत कुछ करा। बिजली का बिल एक महीने का, एक पंखा चला, एक बल्ब जला, 10,000 रुपए महीने का भी फ्री मिल रहा है। आप लोगों को सिलेंडर दे दिया गया था कि सभी महिला घर बैठ कर खाना बनाए, हमने कुछ नहीं जाए, आपको कोई व्यवस्था नहीं हुई, आपको कुछ चीज नहीं मिली है? हमें कुछ नहीं मिला। आपका नाम? क्या कहना चाहते हैं आप? इन्होंने बोला कि हमें कुछ नहीं, गली अच्छी बन जाए हमारे यहाँ से, और राशन राशन खाने से छोड़े काम चलेगा, यहाँ हमें रहना भी तो अच्छी जगह, सुरक्षा नहीं है हमारे यहाँ से। तो कहीं ना कहीं तो आपकी गलती है ना, आप ऐसे प्रशासन को लाते हो, ऐसे को वोट देते हो, आप 100 रुपए का सामान खरीदते हो उसके लिए 10 फेरी सोचते हो, पर अपनी वोट, इतनी कीमती वोट है आप लोगों की, और उसे देते वक्त नहीं सोचते हो, तो ये भी गलती आप लोगों की है, आपको सोचना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके बारे में चंद्रशेखर को वोट देंगे। अब तो जो गलती हुई आपसे पहले, आज बोल रहे हो आप चंद्रशेखर को वोट देंगे, कल ये बोलते कि हम किसी और के देंगे, तो आप एकजुट नहीं हो पाते हो, यही कमी है दलित वोटों में, यही कमी है कि आप एकजुट नहीं हो पा रहे हो। एकजुट रहोगे तो शायद इस देश का और आपके गांव का, आपकी गलियों का विकास होगा। जी, अब क्या हम एकता करते हैं? एकता कर रहे हो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? उषा जी। आप क्या कहना चाहोगे? आपकी गलियों के यह हाल है, क्या कहना चाहेंगे? गली का तो बहुत बुरा हाल है, उधर पैर भी धरने को रास्ता नहीं, इंटी पत्थर रखे हुए है, और कभी वहाँ गारे में पड़ भी जावा, घास करने जावा डबरों को। किसको दे रही आप वोट? चंद्रशेखर को देंगे। पहले मोदी जी आए, बहुत प्रत्याशी बाहर से आए हुए हैं, उन्होंने क्या क्या किया है? बस कुछ नहीं किया हमारे नाम का, तो हमारे नाम तो ऐसे ही है जैसे थे पहले। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि वोट लेके गए और फिर पूरा साल दिखाई नहीं दिया। हाँ, ऐसा ही हुआ। क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो चंद्रशेखर को वोट देंगे। चंद्रशेखर जी आए आपकी गली में? देखा आपकी गली में क्या हाल है? अभी नहीं आए। आपका नाम? मेरा नाम बीर सिंह है। बीर सिंह जी, कहना चाहते हैं वोट किसको दे रहे हैं? जी हम ये कहना चाहते हैं हमारी गली सही हो जाए, और क्या कहा चैन मैन के दौरे भी 10 फेरी जा रही है, हम 10 साल हो गए गली सुधर के नहीं दी, नहीं हो रही आपकी, उन्हें जाट नहीं बनने दे रहे बिल्कुल, ना मेंबर मेंबर को कहा जी, मेंबर नु कहा देने, क्या कहा भाई अभी नहीं बनने गली है, हम नहीं बनवाते वोट की नहीं दे रहे हम तो चंद्रशेखर को देंगे जी। क्या कारण रहा है? जी बस कारण तो कुछ नहीं, जब चाहता है हमारा काम नहीं कर रहे, हम तो अपने भाई चंद्रशेखर को देना, कहीं ना कहीं अपने भाई को ला रहे हो आप अपने बीच, जो कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल सके। हम अपने भाई के साथ में रहे, कंधे से कंधा मिला कर। आपका नाम? मेरा नाम है। क्या कहना चाहेंगे? वोट किसको जा रही है? चंद्रशेखर को वोट दे दो। क्या कारण है? कारण क्या जी? मेहमान जो है वो ये हट कर चले जा, गंदगी कितनी हो रही, गंदगी वजह से मेहमान भी नहीं आते जी, और उसके कारण ना कहीं आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत परेशानी आ रही है, रिश्ता नहीं कोई ले पाता है यहाँ से, कोई कार्य मर होगी नहीं, सब चार नान बन का बैठ जा, कोई कुछ नहीं करता, ना कुछ देवा ना कोई करा कुछ। हाँ, सिलेंडर मिला है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला यहाँ से, ना किचन बंदी हुई किसी, कुछ नहीं यहाँ पे सिलेंडर नहीं मिला आपको? राशन नहीं मिलता आपको? मिला एक घड़ी। पहले महिला गली में नहीं निकल पाती थी, रास्ते पे नहीं चल पाती थी, लेकिन अब जो महिलाओं के लिए भी तो बहुत सुरक्षित कर दिया, चमक सा पानी में चला है, यहाँ कोई नहीं करता, सब अपने मतबल को, हमें जो कोई आवा मतबल निकट गया, कोई किसकी वोट लेने आते हैं और फिर पूरे साल दिखाई नहीं देते हैं, कुछ नहीं दिखता। हाँ, बिगड़ जा सारा, चमकता हो जा सारी, बरसात हो जा, सब कह रहे हैं यहाँ गांव में चैन मैन बना, कोई नहीं करवाता चैन मैन भी, चैन मैन बन का बैठ जा और बस, फिर कोई किसको नहीं बोलता। आप ही तो बना रहे हो ना उन्हें, वो खुद तो नहीं बन रहे ना, आप बना रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको भी समझदारी दिखानी चाहिए। कुछ नहीं करता कोई यहाँ से, ना कोई किसकी सहायता करता, कहीं चीज की सब अपने मतबल को ही। जो बीजेपी सरकार आई थी उन्होंने शिक्षा के ऊपर भी बहुत काम किया है, रोजगार देने की भी बात की थी, लेकर अपना काम कर कर भाग जा, कोई कुछ नहीं करता यहाँ से, बच्चों की शिक्षा नहीं होती? हाँ, यहाँ नहीं होती, नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं कर रहा कोई यहाँ से, स्कूल में है ना यहाँ पर है तो, पर कोई कुछ नहीं करता, पढ़ाई नहीं हो रही है, बंद ताले लग रहे हैं क्या हमारे बालों, किसी की पढ़ाई, स्कूल वो ताले लगे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही जी, 10 साल हो गए बालक हमारे, सारे सारे नहीं फिर सारे बालक घूम रहे, कोई घूम रहे, कोई पढ़ा रहा है बच्चों को,
हॉस्पिटल की क्या हॉस्पिटल तो बहुत दूर है जी अंतर मोर न जाना पड़ो या मुझे फनगढ़ जाना पड़ो डॉक्टर की सुविधा नहीं है कुछ सुविधा नहीं है यहाँ से। आपका नाम? राजकुमारी। क्या हाल है आपके गाँव का? ये तो सबको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, कोई समझ दिख रहा है हाल। ये तो सबको दिख रहा है, सारे गलियों में पिंडी पिंडी सारे उठे पड़े, जो पास धरने की भी जगह नहीं है। बताओ क्या हो रहा है इसका? इसका तो हो रहा क्या होना चाहिए? रास्ते सफा होना चाहिए उनके। तुम तुम झाक कर देख लो ना, मैं हटा लूंगी। मिले बस हम तो ये कहना चाह भाई, ये रस्ते जा ये हो जा सही, और कुछ नहीं कहना चाहते। हाँ आज हमने सभी महिलाओं की और सभी जेंट्स आदमी की बात सुनी और सभी वोटरों ने यही बताया कि इस गांव का बहुत बुरा हाल है। कहीं ना कहीं प्रशासन को ये सोचना चाहिए और आने वाले प्रत्याशी को भी ये सोचने से समझना चाहिए कि इनकी गली का भी अच्छा काम हो और इन्हीं सभी की बातों को गलत किया जाए।